जूरिसडिक्शन होती है 184 जो कि सो मोटो डायरेक्ट जूरिसडिक्शन। दूसरी सुप्रीम कोर्ट की होती है 185 दैट इज अपेलेट जूरिसडिक्शन। तीसरी होती है 186 दैट इज एडवाइजरी जूरिसडिक्शन। और चौथी होती है 188 जो कि है अपना रिव्यू जूरिसडिक्शन। इसमें जो था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे उन्होंने दो जूरिसडिक्शन को अवेल किया, 185 को भी किया यानी अपील दायर की। जब अपील उनकी डिसमिस हो गई तो उसके बाद उन्होंने रिव्यू किया, जिसको अपील पार्टी आमतौर पर नहीं बताती, वो ये फैक्ट छुपा के रखते हैं कि रिव्यू वॉज फाइल्ड। और वो यूनैनिमसली यानी वो जजेस जिन्होंने भुट्टो को बरीउज़ज़ुमा डिक्लेयर कर दिया था, वो तीन जजेस, उन तीन जजेस ने भी बाकी चार जजेस जिन्होंने अपील डिसमिस की उनके साथ मिल के ये कहा कि रिव्यू में कुछ नहीं है। तो अब चीज़ ये है कि सवाल ये अब जो उभर आना है वो ये है कोर्ट के सामने कि क्या एक जो क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन है, क्योंकि लॉ जो है वो बिलीव करता है फाइनैलिटी, अगर फाइनैलिटी नहीं आएगी तो फिर तो कोई बंदा 50 साल के बाद कहेगा जज साहब ठहरना हौसले मेरे को गवाह नहीं सी, मेरा गवाह आ गया, मेरा केस दोबारा शुरू करो। कोर्ट इस तरह नहीं प्रोसीड करती। देर इज़ ए कॉन्सेप्ट इन लॉ ऑफ क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन कि हर चीज़ की एक फाइनैलिटी होनी चाहिए। तो इसमें जो है फाइनैलिटी आ गई तो और आप अगर रिव्यू के ज़रिए अपना एडवाइस के ज़रिए अंडर 186 करेंगे तो फिर तो ये पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ तो जो फैसलों की सुनामी आ जाएगी, इतने फैसले सामने आ जाएंगे कि कोर्ट को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हर एक आदमी चला आएगा कि भाई हमारा केस देख लो। तो चीज़ ये है कि रिव्यू भी हो गया और रिव्यू भी जो है सेकंड रिव्यू जो उसमें जो है उसकी वो अलाउड नहीं है अंडर सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑफ 1980। उसमें जो अपना 26 चैप्टर है उसका रूल 9 है उसके तहत सेकंड रिव्यू भी नहीं है। तो अब चीज़ ये है कि हम ये कह रहे हैं कि ये क्लोज एंड अपना पास्ट ट्रांजैक्शन है, मैटर सेटल्ड हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। और फिर अगर आप इसको आज करेंगे, खोलेंगे अपने वो जजेस जो कि आज से 40 साल पहले जजेस थे और बड़े ऑनरेबल जजेस थे, अगर आप उनके जो है मुकदमे में कमजोरियां निकालेंगे तो आप एक रस्म रखते कल के आपको भी आपके भी निकलेंगी। यानी कल को ये भी निकलेगा कि ये जनाब ये जो सिंबल वापस लिया गया ये क्यों लिया गया, ये भी कल को निकल सकता है। सो देयरफॉर अदालत जो है, हम अदालत को ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि जनाब इस मामले को जो है ये क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन है, इसका फैसला हो चुका हुआ है और दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं है कि जहाँ हाईएस्ट कोर्ट का फैसला हो जाए उसको दोबारा एक एडवाइस के तहत रीओपन किया जाए। यह है हमारा केस जी। थैंक यू वेरी मच।